हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं केसर रबड़ी। अरे वाह, तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए? 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप शुगर, थोड़ी सी इलायची और केसर। अरे तो मिल्क भी तो लेना होगा। मिल्क हमने पहले ही पैन में डाल के उसको गर्म होने रख दिया है। अब उसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। कंटिन्यूसली इसको अब हम चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा दूध जले नहीं और नीचे भी ना लगे। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। अब इसको करेंगे स्टिर स्टिर स्टिर। अच्छा, तो एक बात बताइए, हमने 1/2 लीटर मिल्क में 1/2 कप शुगर लिया है, तो ये कहीं कम तो नहीं पड़ जाएगा? अरे नहीं, हमारे मिल्क पाउडर में भी शुगर था। ओ, अच्छा अच्छा। मिल्क हमारा बॉयल हो चुका है, इसको हम कंटिन्यूसली स्टिर करते रहेंगे। और अब टाइम आ गया है इसमें केसर डालने का। अब इसको अच्छे से हमें स्टिर करना है। साइडों में आप देख सकते हैं इसकी मलाई भी आ गई है, धीरे धीरे इसमें मलाई की पूरी कोट आ रही है। इसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए आई थिंक, क्योंकि काफी टाइम लगता है इसको स्टिर करने में। अब कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत ही यम्मी सा दिख रहा है। हाँ, केसर की वजह से। अरे वाह, पहले के कंपैरिजन में अब हमारा मिक्सचर थोड़ा थिक हो गया है। अब इसको हम कंटिन्यूसली स्टिर करते रहेंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, इसमें कुछ और भी पड़ेगा या हो चुका? नहीं, अभी इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ओके, तो इसमें क्या क्या लिया है अपने ड्राई फ्रूट्स में? हमने इसमें लिए हैं बादाम, पिस्ता और थोड़े से काजू। अरे वाह, वेरी गुड, ये तो काफी टेस्टी हो जाएगा। हाँ जी, चलिए बनने देते हैं। केसर रबड़ी अब हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अरे वाह, तो जल्दी से दीजिए फिर, अब सब्ज़ नहीं हो रहा है। चलिए डालते हैं इसको हम बाउल में। रबड़ी को टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। गजब भाई, एक तो ड्राई फ्रूट का जो फ्लेवर आ रहा है ना, ऊपर से केसर, गजब डाल दिया भाई, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। इलायची भी इसमें पड़ी हुई है, इलायची का भी फ्लेवर आ रहा है। रियली बहुत अच्छी बनी है, बहुत यम्मी है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके बना के देखिएगा कैसी लगती है, आपको बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए करते हैं इसको एंजॉय। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।